गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, भारतीय ऑनलाइन क्लास में मैं हिमांशु शर्मा एक बार फिर आपका स्वागत करता हूँ। तो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे बैक्टीरियल डिजीज, जिसमें हमने 11 बैक्टीरियल डिजीज कंप्लीट कर लिए थे। वहाँ पर अपना चैप्टर का जो इंट्रो शुरू किया था हमने, उस इंट्रो के अंदर जो डिजीज का ए सेक्शन था वो कम्प्लीट हो गया बैक्टीरियल डिजीज का। अब हम शुरू कर रहे हैं डी। बी सेक्शन है अपना वायरल। वायरल डिजीज बेसिकली अपने सिलेबस में 8 वायरल डिजीज है, और उन 8 वायरल डिजीज को वही सिस्टम बना हुई है। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, वही डिजीज का नेम तो दिया हुआ रहेगा, फिर उसका पैथोजन, फिर सिम्टम्स हैं, फिर उसका सिम्टम्स में इन्फेक्टेड ऑर्गन्स होगा, उसके बाद में उसका प्रिकॉशन है, और प्रिकॉशन के बाद में उसका ट्रीटमेंट है। तो ये सारी चीज़ देखेंगे, और फिर अदर में। तो आज जो पहली वायरल डिजीज़ है वो है एड्स। एड्स टॉपिक अपने सिलेबस की जो जितनी डिजीज़ है उनमें थोड़ा डिफरेंट है, तो इसमें स्ट्रक्चर भी आएगी, इसका एप्लीकेशन भी आएगा, तो इसको थोड़ा सा हम डिटेलली डिस्क्राइब करेंगे। तो शुरू करते हैं एड्स। तो सबसे पहले अपन को चेक करना है इसके फुल फॉर्म, तो है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी और सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ये नाम आप 10th क्लास में पढ़कर आए थे, 9th क्लास में भी आपने ये नाम वहां पर सुना है। तो यही वो डिजीज है जो वर्ल्ड की सबसे डेंजरस डिजीज मानी जा रही है। एक्चुअल में जो ये डिजीज है इसको एक नाम और दे रखा है, और वो नाम है इसका डेथ वारंट। क्योंकि ये मानता है कि इस डिजीज के अंदर डेथ श्योर है, बट अब धीरे धीरे इसमें डिस्कवरी हो रही है, इसका ट्रीटमेंट निकल रहा है, इसकी मेडिसिन डिस्कवरी हो रही है, तो उससे इसकी जो इन्फेक्टेड रेट है, जो बॉडी पर इसका इफेक्ट है, उसको धीरे धीरे स्टेबलाइज कर रहा है, कंट्रोल करने की प्रोसेस की जा रही है। तो इसको शुरू करते हैं हम एड्स को। तो सबसे पहले बात करते हैं, जो अब तक जो मान रहे थे कि वर्ल्ड की सबसे डेंजरस डिजीज है वो है कैंसर। रीजन सबसे ज़्यादा टेरेबल थी और सबसे ज़्यादा इनक्योर्ड डिजीज थी, इनक्यूरेबल डिजीज थी। बट जब से HIV की डिस्कवरी हुई है, एड्स की डिस्कवरी हुई है, तो ये उससे भी ज़्यादा डेंजरस है। ये पूरे वर्ल्ड के अंदर, ऑल ओवर पूरे वर्ल्ड को इसने अपने उसमें अपने इन्फेक्शन के रेट के अंदर उसको अब तक ये मान रहे थे कि कैंसर सबसे डेंजरस डिजीज है। रीजन क्या है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डेंजरस और इनक्यूरेबल डिजीज है। बट लास्ट कुछ ईयर में जब से इसकी HIV की डिस्कवरी हुई है, तो ये मालूम पड़ा कि ये उससे ज़्यादा डेंजरस है। रीजन, क्योंकि इसमें डेथ श्योरली है। ये जो डिजीज है ये पूरे वर्ल्ड के अंदर बहुत फास्टली ग्रो कर रहा है, मतलब पूरे वर्ल्ड को, किसी भी कंट्री को इसने छोड़ा नहीं, हर कंट्री में इसके पेशेंट मिल जाते हैं, और इसीलिए इसको इस सेंचुरी की सबसे डेंजरस डिजीज मान रहे हैं। करंट में इतना मॉडर्न एनवायरनमेंट है, इतनी मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, उसके बावजूद भी आपको ट्रीटमेंट नहीं आया है। अभी तक जितनी रिसर्च हुई है उसके अकॉर्डिंग यही मान रहे हैं कि इसका प्रिकॉशन ही इसका ट्रीटमेंट है। तो इट्स अ वेरी डेंजरस डिजीज। HIV एक्चुअल में एक वायरल डिजीज है, और जो इसका वायरल है, जो इसका HIV एक्चुअल में वायरल डिजीज है, और जो इसका वायरस है HIV ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ये इसका वायरस है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। एक्चुअल में ये वायरस है रेट्रोवायरस, रेट्रोवायरस फैमिली से बिलोंग कर रहा है, और इस वायरस की, इस फैमिली की स्पेशलिटी होती है कि ये बहुत फास्टली अपने, मतलब किसी भी बॉडी के अंदर जब से एंट्री करता है तो फास्टली अपना रेप्लिकेशन करता है, और यही इसकी सबसे बड़ी जो इसकी पावर है वो ये है कि रेप्लिकेशन रेट बहुत हाई है। तो ये है। इसके अलावा बात करते हैं तो इस HIV की,
तो ये इसकी जो डिस्कवरी हुई थी वो की थी मोंटेजिना ने 1982 में, साइंटिस्ट थे मोंटेजिना, उन्होंने इसकी डिस्कवरी की थी और 1982 के अंदर ही सबसे पहले इस डिजीज के बारे में डिस्कवरी हुई थी। इंडिया के अंदर 1986 में सबसे पहला पेशेंट चेन्नई में देखा गया था। सबसे पहला शुरू कहाँ हुआ था? चेन्नई के अंदर। तो ये था ये जो वायरस है, ये अपने बॉडी की जो हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स हैं, देखो टी अपने बॉडी के अंदर, हमने सर्कुलेशन चैप्टर जो क्लासरूम में स्टडी की थी उसमें हमने ब्लड में बात की थी, तो उस ब्लड में ये आया था कि ब्लड WBC का जो कंटेंट है वो होता है लिम्फोसाइट। WBC एक्चुअल में हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम जनरेट करवाता है, तो उस WBC की सेल्स होती है वो होती है लिम्फोसाइट सेल्स होती है। लिम्फोसाइट सेल टू टाइप की आई थी, एक तो आया था बी लिम्फोसाइट और एक आया था टी लिम्फोसाइट। ये जो बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट है एक्चुअल में एक चीज कॉमन है, लिम्फोसाइट्स का प्रोडक्शन जो होता है, लिम्फोसाइट्स जो ऑरिजन होती है वो होती है बोन मैरो से। ठीक है, ये बात आपको क्लियर हो गई कि लिम्फोसाइट कहाँ प्रोड्यूस हुई? बोन मैरो में। अब बोन मैरो में प्रोड्यूस होने के बाद में ये मैचुरेशन के लिए या तो वहीं पर रुक जाती है और या वहां से क्या होती है, टर्न आउट हो जाती है या वहां से पास आउट हो जाती है। अब अगर कोई लिम्फोसाइट मैच्योरेशन के लिए कहाँ आ रही है? टी थाइमस ग्लैंड में आ रही है, तब तो उसका नाम क्या जाएगा? टी लिम्फोसाइट। और अगर लिम्फोसाइट बोन मैरो में ही मैच्योर हो रही है तो उसका नाम क्या हो जाएगा? बी लिम्फोसाइट। बी मीन्स बोन मैरो और टी मीन्स थाइमस। तो इनका जो नॉमिनिकल्चर किया है, 21 बेस पे किया है, इनकी मैच्योरेशन पहले इसके बेस पर इसका जो नॉमिनिकल्चर है। तो ये जो लिम्फोसाइट होती है टी लिम्फोसाइट, ये एक्चुअल में हमारी बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करने के लिए, उसको पूरा पूरा प्रोड्यूस करने के लिए हेल्पर, एज ए हेल्पर में, एज ए हेल्पर इसकी डोमिनेंसी होती है। तो ऐसे केस के अंदर ये जो वायरस होता है ये इस टी लिम्फोसाइट को डिस्ट्रॉय कर देता है और टी लिम्फोसाइट डिस्ट्रॉय होते क्या हो जाएगा? बॉडी इम्यूनिटी डिस्ट्रॉय जाती है। एक्चुअल में थाइमस जो ग्लैंड होती है वो चाइल्डहुड के अंदर अपने टी लिम्फोसाइट को प्रोड्यूस करती है। अब ये तो ऑलरेडी पहले से प्रोड्यूस है, अगर ये डिस्ट्रॉय हो जाती है तो बाद में इम्यूनिटी नहीं बन पाती। तो फिर आगे बात करते हैं, तो ये जो वायरस होता है ये पर्टिकुलर किसी न किसी लाइफ सेल के अंदर ही क्या होता है? एक्टिवेट होता है। क्लाइमेट में, एनवायरनमेंट में, आउटर किसी बॉडी में ये डी एक्टिवेट फॉर्म में प्रेजेंट होता है। आप अभी इन दिनों में देख रहे होंगे कोरोना का इफेक्ट है, तो कोरोना की भी सेम कंडीशन ही है। जब तक कोरोना बॉडी से बाहर है कोई उसका हार्म इफेक्ट जनरेट नहीं होता, लेकिन जैसे बॉडी में आता है तो वो अपना आपको हार्मफुल कंडीशन में शो ऑफ करता है। सेम HIV की कंडीशन होती है। फिर बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ HIV। आपको डायग्राम शो हो रहा होगा, एक डायग्राम अपन भी बनाएंगे, तो डायग्राम आपने देखा और डायग्राम में यहाँ बोर्ड पे आपको शो ऑफ कर रहा हूँ, देखो उसको। एक इसकी स्ट्रक्चर जो होती है वो ग्लाइकोप्रोटीन से प्रोड्यूस होती है। आपको दिख रहा है, ये मैं बड़े बड़े डॉट्स बना रहा हूं, ये ग्लाइकोप्रोटीन की लेयर है।
एचआईवी स्ट्रक्चर के अंदर जो आउटर साइड में आपको ब्लिक साइड से दिख रहा है ना, ये है ग्लाइको प्रोटीन और इसमें एमिनो एसिड कितने होते हैं 120 होते हैं, इसलिए ग्लाइको प्रोटीन 120 इसको मार्क कर देते हैं। जो छोटे वाले दिख रहे हैं आपको इसमें ग्लाइको प्रोटीन होता है 41, ठीक है, दो चीजें हो गई। तो इसकी स्ट्रक्चर में आउटर लेयर किसकी होती है, ग्लाइको प्रोटीन की टू लेयर होती है, एक ग्लाइको प्रोटीन 120 जो बिग साइज के हैं और एक कौन सा हो गया स्मॉल साइज के हैं, वो है ग्लाइको प्रोटीन 41। अब इसके इनर साइड की बात करते हैं तो इनर साइड में सिंगल लेयर है, सिंगल हेलिक्स इसमें आरएनए प्रेजेंट होता है, दिख रहा है आपको सिंगल हेलिक्स है और ये आरएनए आपको दिख रहा है। इस आरएनए के साथ में क्या है स्पेशल, जो इसकी सबसे बड़ी स्पेशलिटी है वो है ये डॉट, ये डॉट एक्चुअल में रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है। तो देखो ये है सिंगल हेलिक्स आरएनए और ये है, यहां लिख रहा हूं मैं आपको, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इसमें एंजाइम, इस रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम और आरएनए हेलिक्स को सराउंडिंग करके रखता है प्रोटीन और प्रोटीन में होते हैं 24 मॉलिक्यूल्स। ये प्रोटीन की एक लेयर है, इसका नाम कौन देते हैं P24, प्रोटीन की 24 लेयर होती है, ठीक है। और इसके सराउंडिंग में यानी ये तो इनर लेयर होगी, इसके सराउंडिंग में आउटर लेयर, आउटर लेयर में प्रोटीन 17 की लेयर प्रेजेंट होती है, इसको मैं डायग्राम में आपको शो कर रहा हूं। ये है P17, बात समझ आ गई, देखो वापस इसकी स्ट्रक्चर जब आप देख रहे हो तो इसके सराउंडिंग में दो ग्लाइको प्रोटीन की लेयर प्रेजेंट है, टू ग्लाइको प्रोटीन की लेयर प्रेजेंट है, एक तो कौन सी है ग्लाइको प्रोटीन 120 और इनर साइड में कौन सी है ग्लाइको प्रोटीन 41, ठीक है। अब वायरस की जब इनसाइड की बात करेंगे तो इनसाइड में सिंगल हेलिक्स के हाइस के अंदर आरएनए के टू मॉलिक्यूलर प्रेजेंट होते हैं, एक ये रहा और एक ये रहा, दो मॉलिक्यूलर प्रेजेंट हो गए और इनके साथ में कौन अटैच है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम प्रेजेंट है, ठीक है। फिर बात करेंगे इस जो हेलिक्स है आरएनए हेलिक्स, इसके सराउंडिंग के अंदर प्रोटीन 24 और आउटर साइड में है प्रोटीन 17 से बना, इसमें एक कोड एक कोर प्रेजेंट होती है जो इसको क्या कर रही है प्रोटेक्ट कर रही है, तो ये इसकी स्पेशल स्ट्रक्चर है। अब जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होता है ये इसका मेन पार्ट है, कैसे ये आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट करने के लिए इसको मीडियम प्रोवाइड करवाता है या एक्चुअल में ये इसको आरएनए से डीएनए में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो ऐसा होने पर क्या हो जाएगा, जिस बॉडी के अंदर जिस सेल के अंदर आरएनए ये वायरस इंफेक्शन जनरेट करेगा वहां बहुत फास्टली ये आरएनए से डीएनए को प्रोड्यूस कर देगा, ऐसा होने पर बॉडी के लिए एक नॉर्मल उसकी खुद की सेल उसके ऑपोजिट फंक्शन जनरेट के लिए मॉडिफाई जाती है, इसको बोलते हैं हाइब्रिड सेल और इससे वायरस का इंफेक्शन बहुत फास्टली जनरेट होता है, ठीक है। तो ये थी इसकी स्ट्रक्चर, अब आगे बढ़ते हैं इसके सिम्टम्स, ठीक है। हाँ सिम्टम्स से पहले इसका इंफेक्शन देखते हैं, एचआईवी का इंफेक्शन, उसका इंफेक्शन का मीडियम कैसा था, कैसा रहा है, ये कैसे इंफेक्शन करता है, उससे पहले एक बात करते हैं। एचआईवी जो वायरस है वो बेसिकली टू पैटर्न में अवेलेबल है, एक तो कौन सा है एचआईवी 1 और एचआईवी 2, ये टू पैटर्न के अंदर ये वायरस प्रेजेंट होता है। इनमें से एचआईवी फर्स्ट अगर किसी सैंपल में किसी बॉडी के सैंपल में अवेलेबल होता है तो ही उसे एड्स पेशेंट माना जाएगा, ठीक है। मतलब ये जो एचआईवी फर्स्ट है ये रेस्पॉन्सिबल है किसके लिए,
एड्स डिजीज के लिए। क्लियर हो गया, शुरू करते हैं एचआईवी का इंफेक्शन। एचआईवी का इंफेक्शन होता है वो एक्चुअल में फ्लूड के ट्रांसमिशन से होता है। इसका जो वायरस होता है वो किसी भी ह्यूमन बीइंग में या किसी भी एनिमल के अंदर, उसके ब्लड में, उसके टिश्यूज में, उसके ऑर्गन्स में, उसके सीमन के अंदर, इनमें प्रेजेंट होता है। तो इनका जैसे ट्रांसमिशन होगा या इनका ट्रांसमिशन होगा तो ही डिजीज होने के चांसेस या इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। तो इसके कुछ सिम्टम्स की जो मेन रीजंस हैं वो अपन देखते हैं। जो सबसे फर्स्ट आ रहा है वो हो रहा है जो इन्फेक्शन है वो ब्लड कॉन्टेक्ट के थ्रू हो रहा है, मतलब ब्लड को ट्रांसमिशन किया, ब्लड ट्रांसफ्यूजन है। कैसा ब्लड? जो अनरजिस्टर्ड ब्लड बैंक से ब्लड परचेज कर रहे हैं उनसे इसके ट्रांसमिशन की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है, ठीक है। सेकंड बात करते हैं, जो सेक्सुअल कॉन्ट्रैक्शन होता है उसके थ्रू आउट भी क्या होता है, ये डिजीज ट्रांसमिटेड होती है। क्योंकि अगर कोई पेशेंट, अगर कोई ह्यूमन बीइंग इससे इंफेक्टेड है और अगर वो किसी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के साथ में सेक्सुअल इंटरकोर्स की प्रोसेस होती है तो उससे क्या हो जाएगा, उसका जैसे उसके बॉडी में ट्रांसमिट होने पर डिजीज ट्रांसमिशन की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी रहती है। फिर बात करते हैं इसके अंदर जो प्रेग्नेंट लेडी होती है, तो अगर वो पॉजिटिव है, एचआईवी पॉजिटिव है, तो प्लेसेंटा के थ्रू आउट वायरस उसके यूटेरस में जो फिटस है उसमें ट्रांसमिट हो जाएगा और उससे क्या हो जाएगा, जिस बेबी का बर्थ होगा वो ऑलरेडी एचआईवी पॉजिटिव है। फिर बात करते हैं इसमें जो ट्रांसमिशन होता है, फिर उसके बाद में लैक्टेशन के थ्रू आउट भी क्या होता है, इसका ट्रांसमिशन होता है। अगर कोई मदर पॉजिटिव है और अगर उसके बेबी को लैक्टेशन की प्रोसेस करवा रही है तो कोलेस्ट्रॉल के थ्रू आउट उसका ट्रांसमिशन हो जाता है। फिर बात करते हैं तो जो 80% तक डिजीज का ट्रांसमिशन होता है वो होमोसेक्सुअल प्रोसेस के थ्रू आउट होता है, जो सबसे ज्यादा रेट है। 80% इन्फेक्शन होता है वो होमोसेक्सुअल प्रोसेस के थ्रू आउट होता है। उसके बाद बात करते हैं, आपने देखा होगा कई लोग ड्रग्स एडिक्ट होते हैं, ड्रग एडिक्ट, तो उसमें जो सिरिंज के थ्रू आउट ड्रग का ट्रांसमिशन होता है तो उसमें एक ही नीडल को अगर बार बार यूज कर रहे हैं, रैपिडली उसको यूज कर रहे हैं तो उसमें क्या हो जाएगा, अगर उनमें से कोई भी पॉजिटिव हुआ तो वो सबको क्या कर देगा, इन्फेक्शन जनरेट कर देगा। तो ये इसके बेसिक इन्फेक्शन के रीजन थे जो आपने देख लिए। तो वापस एक बार देखो, ब्लड कॉन्टैक्ट के थ्रू आउट हुआ, फिर मदर के थ्रू आउट बेबी को हुआ, उसके बाद में क्या हुआ, लैक्टेशन के थ्रू आउट बेबी को हुआ, उसके बाद अपन ने देखा कि जो इसका ट्रांसमिशन है वो ऑर्गेन ट्रांसप्लांट के थ्रू आउट होता है। फिर उसके बाद हम देखते हैं जो ड्रग एडिक्ट होते हैं वो अगर इन्फेक्टेड नीडल का यूज कर रहे हैं तो हो रहा है, और अगर हॉस्पिटलाइजेशन को पेशेंट हो रहा है और अगर उसको भी किसी अनस्टेराइज्ड नीडल का यूज कर लिया, अनस्टेराइज्ड इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करने हो जाता है तो भी क्या हो सकता है, इस डिजीज का ट्रांसमिशन हो सकता है। तो ये बेसिक सिम्टम्स थे जो एचआईवी के लिए, इन्फेक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल। अब बात करते हैं इसके सिम्टम्स। तो एचआईवी एक्चुअल में खुद किसी भी टाइप के सिम्टम्स शो ऑफ नहीं करता, क्यों? क्योंकि ये केवल बॉडी के इम्यून सिस्टम को ब्लॉक करता है। उसके बाद में वायरल डिजीज या अदर डिजीज के कॉन्टेक्ट में जो पेशेंट होता है वो आता है तो उससे उसके वो बेसिक सिम्टम शो ऑफ होते हैं। लेकिन फिर भी रिसर्च के अकॉर्डिंग जब एचआईवी पॉजिटिव लोगों पर रिसर्च की गई तो उसमें कुछ सिम्टम्स शो ऑफ हुए, तो उन्हीं सिम्टम्स की हम बात कर रहे हैं। तो सबसे जो फर्स्ट टर्म होता है उसमें क्या होता है कि रेगुलर वेट लॉस होता है, पेशेंट का रेगुलर वेट लॉस होना स्टार्ट होता है। उसके बाद लॉन्ग ड्यूरेशन तक उसमें लूज मोशन बने रहता है, ठीक है। फिर उसके बाद में रेगुलरली उसमें फीवर रहता है, फीवर रेगुलरली उसके अंदर बना हुआ रहता है। फिर उसके अंदर जो लिम्फोटिक नोड्स होती है, लिम्फ नोड्स जो अपने टॉन्सिल है, जो आर्मपिट है, ठीक है ना, ये नोड्स होती है लिम्फ नोड्स, ये धीरे धीरे क्या होती है, स्वेलिंग कंडीशन में हो जाती है, तो इसमें ट्यूमर से बन जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद बात करते हैं तो लॉन्ग ड्यूरेशन तक उसमें कफिंग रहती है, ये बेसिक सिम्टम्स हैं। और जब एचआईवी पेशेंट लोगों पर रिसर्चिंग हुई तो मालूम पड़ा उनके अंदर कि उनमें दो कॉमन डिजीज है जो बेसिकली देखने को मिलती है। एक तो है न्यूमोसिस, न्यूमोसिस्ट कॉरिन न्यूमोनी,
न्यूमोसिस्ट कॉरिन न्यूमोनी, वापस मैं रिपीट कर रहा हूं, न्यूमोसिस्ट कॉरिन न्यूमोनी, और दूसरा उसके अंदर है कापोसी सार्कोमा, कापोसी सार्कोमा। ये दो डिजीज के चांसेस उसमें ज्यादा होते हैं। जो न्यूमोनी सिस्ट कॉरिनी न्यूमोनी है वो तो है लंग्स डिजीज है, बेसिकली उसके लंग्स में इंफेक्शन जनरेट होता है, और जो कापोसी सार्कोमा की बात कर रहे हैं वो एक्चुअल में क्या है, उसके अंदर होने वाला स्किन कैंसर है। स्किन कैंसर है। तो ये बेसिक दो डिजीज उसमें होने के चांसेस सबसे हाई होते हैं।